स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान का आगाज, पीएम मोदी ने नाम दिया है, एक तारीख एक घंटा एक साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में स्वच्छता श्रमदान को दिया बढ़ावा, झंडे वालन सेवा बस्ती में की साफ सफाई। मंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया, कल गांधी जयंती है, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने आज साबरमती में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया, साफ सफाई करते नजर आए। जबकि पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सफाई अभियान को गति देते दिखे, झाड़ू लगाए। उधर तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाम 3 बजे से 4 बजे के बीच महबूब नगर में चुनावी सभा है। तेलंगाना को 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी, सड़क, रेल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस समेत उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों को मिलेगी इससे गति। पीएम कई सड़क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला, वारंगल से खम्मम तक 108 किलोमीटर लंबे 4-लेन हाईवे का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णा स्टेशन से रायचूर हैदराबाद ट्रेन सेवा को भी दिखाएंगे हरी झंडी। मोदी करीब 2170 करोड़ रुपए की लागत से बनी हसन चेरला पल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं दिल्ली में आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह बैठक। दूसरी तरफ जयपुर में मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जनता को लोकतांत्रिक मर्यादा और निर्भीक मतदान की शपथ दिलाई। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए। अल्पसंख्यक सब्सिडी को लेकर कर्नाटक बीजेपी और कांग्रेस में तकरार, कर्नाटक के बाद बीजेपी ने की अल्पसंख्यक समुदाय को सब्सिडी की पेशकश। जबकि मध्य प्रदेश के सीधी में बाघ ने एक आदिवासी के घर में घुसकर हमला बोल दिया, बुजुर्ग की मौत हो गई। झारखंड के गिरिडीह में बेड़ी नदी में अचानक तूफान आ गया, स्कूल से लौट रही दो छात्राएं देर तक सैलाब में फंसी रही। काफी देर बाद सूचना मिलने पर पहुंची सीआरपीएफ, स्थानीय निवासियों की मदद से छात्रों को सैलाब से बाहर निकाला गया। महंगाई की एक और मार, कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, 209 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, आज से ही लागू होंगे, अब 1731.50 रुपए आपको देना होगा कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए। जबकि 2000 के नोट बदलने का मौका है, आरबीआई ने 7 अक्टूबर तक तिथि बढ़ा दी है, नजदीकी बैंकों में जाकर आप बदल सकेंगे नोट। एशियन गेम्स में रोइंग नौकायान में सिल्वर मेडल विजेता नीतीश उज्जवल पहुंचे अब बागपत पैतृक गांव में, जोरदार स्वागत। देश में विश्व कप क्रिकेट की खुमारी देखते ही बन रही है, लोग अपने चेहरों को भी पेंट करा रहे हैं। 5 अक्टूबर को विश्व कप क्रिकेट का आगाज होना है, पहला मुकाबला इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच, भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से। यूपी में बरेली पुलिस झपटमारों पर शिकंजा कस रही है, चोरी और झपटमारी के 100 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। राजस्थान के सांचौर में बहन के साथ जा रहे युवक से लूटपाट, 70,000 कैश और चेन लूट ले गए बदमाश, जमकर पिटाई भी की। तमिलनाडु में कन्नूर के पास बड़ा सड़क हादसा, खाई में बस गिरने से 8 लोगों की मौत, 25 जख्मी। बाराबंकी में युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया, ट्रेन की चपेट में आकर टुकड़े टुकड़े हो गया, घटना का वीडियो वायरल। पाली में स्कूली छात्रा से टीचर पर रेप का आरोप, स्कूल में जमकर तोड़फोड़। जबकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का गुजरात दौरा, आज संघ की बैठक में शिरकत करेंगे। केंद्र के खिलाफ टीएमसी का हल्ला बोल, बकाया राशि को लेकर जंतर मंतर पर 3 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान, सांसद अभिषेक बनर्जी करेंगे अगुवाई। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने के ट्रांसफर एप्लीकेशन पर फैसला सुरक्षित, 4 अक्टूबर को निर्णय आएगा। महिला आरक्षण पर आरजेडी नेता के विवादित बोल को बीजेपी ने बोला शर्मनाक, बताया पार्टी का दोहरा चरित्र। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाओं को ही महिला आरक्षण का फायदा। सड़क घोटाले मामले में चंद्रबाबू नायडू के बेटे से पूछताछ होगी, आंध्र प्रदेश सीआईडी ने 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा। डीएमके चुनाव के लिए तैयार, वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक, महागठबंधन बनाने को लेकर हो सकती है चर्चा। कावेरी जल विवाद में पी चिदंबरम का बयान, कर्नाटक तमिलनाडु दोनों को आयोग के फैसले पर करना होगा काम। असम मेघालय 2022 मुकरोह हिंसा की सीबीआई जांच का करेंगे आग्रह, 6 विवादित क्षेत्रों में सीमा रेखाओं को करेंगे फाइनल। मौसम ने ठंड आने से पहले फिर बदला अपना मिजाज, कर्नाटक पश्चिम बंगाल झारखंड में भारी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश लद्दाख जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बरपेगा भारी बारिश का कहर। मौसम विभाग का अनुमान, गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी तट पर भी भारी बारिश की आशंका है। भारत में अक्टूबर में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है, मौसम विभाग ने जानकारी दी। तेज हवा के साथ दरभंगा में हुई झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। मारे गए युवक इकबाल के परिवार वालों का हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम। उधर सड़क जाम हटाने मौके पर पहुंची पुलिस, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में महिला डॉक्टर को बदमाशों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया, वारदात की खबर मिलने पर पहुंची पुलिस। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, तफ्तीश कर रही है पुलिस। झारखंड के गढ़वा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, बालू का भंडारण और 7 ट्रैक्टर जब्त। जबकि महिला के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का पुलिस स्टेशन के बाहर जमावड़ा, लोगों ने उचित कार्रवाई की मांग की, हंगामा किया। जमशेदपुर में दिन दहाड़े एक घर में फर्जी आईटी अधिकारी बनकर कुछ लोगों ने दबिश डाली थी, पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हरदोई में 6 साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस से हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से जख्मी आरोपी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर इस चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, कार से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई। बागेश्वर में बीमार महिला को दवा देने के बहाने पड़ोसी युवक ने महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म किया, पुलिस ने इस आरोपी को किया है गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ के दौरान गो तस्कर गिरफ्तार। सतना में फूड पॉइजनिंग से पोता पोती की मौत, सदमे में दादी की भी जान चली गई। अहमदाबाद में नशा तस्करी का दिखा नया तरीका, टेडी बियर में छुपाकर लाई जाती थी ड्रग्स। जबकि बैतूल में एयरफोर्स के 2 जवानों के शव बरामद हुए हैं, नदी में नहाने के दौरान डूब गए थे दोनों जवान। हॉकी के मैदान में बुरी तरह से पीटा पाकिस्तान, एशियन गेम्स में भारत ने 10-2 से पाकिस्तान को रौंद दिया। कप्तान हरमनप्रीत ने हैट्रिक समेत कुल 4 गोल दागे, शानदार जीत के साथ ही सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहुंच गई है। 8वें मिनट में भारत के मनदीप सिंह ने खाता खोला, पाकिस्तानी डिफेंस को छकाते हुए 1-0 की बढ़त दिला दी। और इसी के साथ हॉकी के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी हो गया, पहली बार दागे 10 गोल। इधर मोदी स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड पर, खालिस्तानियों की धमकी के बाद गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। एक और स्वर्ण पदक आया है, अभी 43 साल के रोहन बोपन्ना ने रच दिया इतिहास, मिक्स डबल्स में रतुजा के साथ भारत को दिलाया गोल्ड। शूटिंग में पदकों के आने का सिलसिला जारी है, 10 मीटर एयर राइफल में सरबजीत सिंह और दिया ने दिलाया रजत पदक। एशियन गेम्स मुकाबले में दूसरी बार पहुंचे नीरज चोपड़ा, अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। एशियन गेम्स में भारत का स्वर्णिम सफर जारी है, स्क्वैश मेंस टीम फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से पटकनी देकर 10वां गोल्ड मेडल हासिल किया देश के लिए। लवॉल के मेकर्स बोले, सेंसर बोर्ड में पैसा नहीं दिया गया, 5 लाख की रिश्वत की बात झूठी है, बस वक्त पर सर्टिफिकेशन नहीं मिला। फिल्म पास कराने 1 घंटे में मांगे 6.5 लाख रुपए, एक्टर विशाल बोले पैसे देते ही सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला। अनुष्का शर्मा के दोबारा प्रेग्नेंट होने की खबर, 2021 में पहली बार मां बने थे। ओएमजी 2 के डायरेक्टर अमित राय को मिला मेहनत का फल, फिल्म डियर जस्सी को कनाडा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। पेरिस फैशन वीक के लिए रवाना हुई ऐश्वर्या राय। खिचड़ी 2 का टीजर हुआ रिलीज, सीक्रेट मिशन पर पंथू किस्तान निकले हंसा, प्रफुल्ल और बाबूजी, नवंबर में रिलीज होगी यह फिल्म। बेटे की फिल्म दोनों देखकर खुश हुए सनी देओल और राजवीर, बोले शायद पापा हमेशा से जानते थे कि मैं एक्टर बनूंगा। तारक मेहता शो से दिलीप जोशी ने लिया ब्रेक, विवादों के बीच धार्मिक ट्रिप पर गए हैं तंजानिया, 15 साल से निभा रहे हैं जेठालाल का किरदार।
विदेशी वैक्सीन प्रमोट वाली बात पर विवेक अग्निहोत्री अब भी कायम, का शशि थरूर आकर मेरी गलतफहमी सुधारें। केबीसी के नाम पर लोगों के साथ ठगे, बिग बी बोले स्कैम कॉल पर ध्यान ना दें, यहां एंट्री सिर्फ नॉलेज के दम पर मिले।